नमो नारायण, नमो नारायण। देखो, पूरे साल में या आज तक जितना भी कुछ हुआ है अपने अपने घर गृहस्थी में, वो जो सुखद घटनाएं हैं, दुखद घटनाएं हैं, सब कुछ होने दो। उसको अच्छा करने के लिए, उसका पुण्य प्राप्त करने के लिए बैसाखी अमावस्या रहती है। और अभी बैसाख शुरू हो जाएगा, चैत्र अमावस्या आ जाएगी, तब उसमें स्नान करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। पुरानी यादें भूल जाते हम और नई फसल आती है, तो उससे हमारे सब भगवान के उत्सव, अलग अलग जयंती पुण्यतिथि चलती है। तो मेरे ख्याल से इस चैत्र अमावस्या से वैशाख अमावस्या तक आप जितना पुण्य कर सके, यानी प्लस पॉइंट जो इकट्ठे करेंगे, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे महसूस हो जाएंगे। मालूम नहीं आपके, यानी अब तक जो जो लोग सिर्फ मेरा टारगेट बनकर, यानी मुझे टारगेट करके जो आए हैं, यानी मुझे श्रेष्ठ बताकर जो आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने हिसाब किया ना 1-2 से 3 साल का, तो उनको मालूम पड़ेगा कि वो खर्चा कहाँ गया। मालूम नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हर अमावस्या को जो आ रहा है ना, उनको भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसा खर्चा हुआ, हम कैसे गए, हम फ्लाइट से कैसे आए, ट्रेन कैसी मिल गई, बुकिंग कैसा हो गया, वो सब जाने न हम न जाने, न तुम न जाने, सब वो जाने। तो 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप सोचो कि आपने लाया है क्या और आपने गंवाया क्या। तो गंवाया तो कुछ नहीं है, आप तो कमा रहे, क्योंकि अगला जन्म तो लेना ही है। इस हिसाब से आप बहुत बढ़िया सोचो। मुझे अलाउड नहीं है 7 प्रतिशत के लिए, मुझे कोई सुख दुख नहीं है। आपको 7 प्रतिशत आपस में देना ही है, रिलेशन बड़ा नहीं है। नमो न हम तुम्हें जानो, न तुम हमें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। न हम तुम जान, न तुम हमें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। न हम तुम्हें जानू, पहाड़ी है बहुत हम ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं हमें, भगत भी मिले हैं हम उसके हैं, फिर वो हमसे मिलते, मजा कुछ भी ऐसी ये जिंदगी होगी। न हम तुम्हें जानू। नमो नारायण।